हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वही 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा करेगा, जिसके मद्देनजर हरियाणा सरकार की तरफ से खेलों को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तर के खेल स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं। वहीं अम्बाला छावनी में वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। 12 एकड़ की भूमि में तैयार किए जा रहे वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में सबसे पहले फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक टर्फ वाला फुटबॉल ट्रैक, जिसकी पेरीफेरी में 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक रनिंग और रिले दौड़ के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें 3,750 ऑडियंस के बैठने की कैपेसिटी है। इसके अलावा ऑल वेदर स्विमिंग पूल, जिसके अंदर 2 स्विमिंग पूल बनाए जा रहे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी ने बताया कि अम्बाला छावनी के बो इलाके में हॉकी ग्राउंड बनाने के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने 30 लाख रूपये दिए हैं। अम्बाला कैंट में जो स्टेडियम बनाया जा रहा है उसकी कुल लागत 115 करोड़ की है जी, और इसके अंदर लगभग जो सीटिंग कैपेसिटी रहेगी वो मैंने 3,750 के आसपास रहेगी, उससे थोड़ा बहुत प्लस माइनस 10-20 हो जाएगा। और उसमें VVIP के लिए हमने जो अलग से कैबिन की प्रोविजन की है, बीच में ही जो ग्लास के अंदर कवर होगा उसको हमने लगभग 100 की कैपेसिटी वहाँ रखी है। उसमें सेंटर में तो हमने फुटबॉल रखा है जी, फुटबॉल ट्रैक रहेगा जो सिंथेटिक ट्रैक रहेगा, सिंथेटिक टर्फ रहेगा जी। उसके साथ में एक ट्रैक भी रखा हमने जो कि लगभग 400 मीटर का जो स्टैंडर्ड होता है जी, और वो सारा सिंथेटिक होगी। तो इसमें बेसिकली तो मेन तो गेम्स यही होगी जी, एक तो एथलीट की जो रनिंग की होती है और उसमें रिले वगैरह जो सारा सब कुछ कवर हो जाती है जो रनिंग में आती है, और इसमें सेंटर में अपना ये रहेगा फुटबॉल।